हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अर्शी। आज की क्लास में हम दशमलव का भाग सीखने वाले हैं। जब हमें ऐसे नंबर का भाग करना हो जिसमें दोनों में ही पॉइंट लगा हुआ हो तो उसका भाग कैसे किया जाता है, आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.075 भाग 0.25। 0.25 को हमें 0.075 से भाग करना है। तो क्या करेंगे, पहला वाला नंबर लिख लेंगे। क्या है पहला? 0.075, बटे का निशान लगाएंगे। दूसरा नंबर लिख लेंगे 0.25। अब देखिए, किसी की भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 1 से की जाती है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 की मल्टीप्लाई 1 से की जाए तो क्या हो जाता है? 5। 15 की मल्टीप्लाई 1 से की जाए तो ये क्या हो जाता है? 15। अगर मैं 0.75 की मल्टीप्लाई 1 से करा दूं तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई भी 1 से करा देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई भी 1 से करा देते हैं। अब देखिए, इस पर कोई फर्क पड़ा? इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए, हमें यहां से पॉइंट हटाना है और यहां से भी पॉइंट हटाना है। जब हम यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां जीरो बढ़ेंगे और यहां से हटाएंगे तो यहां बढ़ेंगे। नीचे वाले का पॉइंट हटाने पर ऊपर वाले के जीरो बढ़ेंगे, ऊपर वाले का पॉइंट हटाने पर नीचे वाले के जीरो बढ़ेंगे। अब देखिए, मैं यहां से पॉइंट हटा रही हूं तो कितने के बाद पॉइंट था? 1, 2, तो 2 ही जीरो ऊपर लग जाएंगे। गिनना हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट करना है। अब देखिए, यहां से गिनिए, 1, 2, 3, कितने के बाद पॉइंट है? 3 के बाद, तो 3 ही जीरो हम नीचे लगा देंगे। अब देखिए, जब ऊपर भी जीरो होते हैं और नीचे भी जीरो होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 1, 0 से 1, 0 गया, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो गया। अब देखिए, हमारे पास क्या बचा? यहां से पॉइंट तो हट चुका है और पॉइंट के बाद जीरो बेकार हो जाएगा, तो ये बचेगा 75 और नीचे क्या बचा है? ओनली 25। पॉइंट को हमने हटा दिया है। यहां क्या बचा है? 1। जब 1 की मल्टीप्लाई 75 से करेंगे तो हमारे पास ओनली 75 आएगा। नीचे क्या बचा है? 10 बचा है। अब देखिए, ये दोनों ही 5 के टेबल से जा रहे हैं। कैसे पता चला? जिसके लास्ट में 5 होगा या 0 होगा वो हमेशा 5 के टेबल से चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 5 25, ये हो जाएगा 5 1 5, यहां बचेगा 2, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 5 25। अब क्या बचा है हमारे पास? ऊपर बचा है 15, नीचे बचा है 5 और नीचे मल्टीप्लाई में 10 बच रहा है। अब देखिए, ये दोनों फिर से 5 के टेबल से चले जाएंगे। 5 1 5 5 15। अब क्या बचा हमारे पास? ऊपर बचा 3, नीचे बचा 1 और 10। जब 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 बचेगा, नीचे क्या बचा? ओनली 10। अब देखिए, जब हमने पॉइंट हटाया था तो 0 आया था। अब मैं इस 0 को हटाना चाहती हूं तो क्या आएगा? ऊपर पॉइंट आएगा। 1, 0 हटाना चाहती हूँ, 1 के बाद पहले पॉइंट आएगा। अगर 2, 0 हटाती तो 2 के बाद पॉइंट आता, तो ये क्या हो जाएगा? 0.3। जब हमने ये 0 नीचे से हटाया तो ऊपर क्या हो गया? पॉइंट लग गया। यह आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास 0.125 डिवाइड 0.05। हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, पहले पहला वाला नंबर लिख लेंगे 0.125, बटे का निशान लगाएंगे, नीचे दूसरा वाला लिख लेंगे। अब देखिए, दोनों की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूंगी तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों की मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं। अब देखिए, हम यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां जीरो लगेगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां जीरो लगेगा। नीचे वाले का पॉइंट हटाने पर ऊपर वाले के पास जीरो आएगा, ऊपर वाले का पॉइंट हटाने पर नीचे वाले के पास जीरो आएगा। ये पॉइंट हटा रही हूं, 1, 2, कितने के बाद जीरो है? 2 के बाद। गिनना हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट करना है। 1, 2, 3, कितने के बाद पॉइंट है? 3 के बाद। 1, 2, 3। अब जब ऊपर भी जीरो होते हैं, नीचे भी जीरो होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 1, 0 से 1, 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? 1, 2, 5 अपॉन, ये पॉइंट भी चला गया तो पॉइंट के बाद 0 तो बेकार हो गया, ये क्या बचा? खाली 5 बचा। अगर मैं 0, 5 लिखूंगी तो उसकी वैल्यू भी तो 5 ही होगी, इसलिए मैं यहाँ खाली 5 लिख रही हूँ। ऊपर क्या बचा? 1 बचा। जब 1 की मल्टीप्लाई 125 से करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा। नीचे क्या बचा है? 10।
अब देखिए ये 5 से कट जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो लगाते हैं इसको, 5 से 1 तो कम रह जाएगा तो 2 भी साथ में लेंगे, क्या हो जाएगा 5 टू जा 10, 2 बचेगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, क्या बचा हमारे पास 25 अपॉन यहाँ क्या बचा 10। अब देखिए जब पॉइंट ऊपर से हटाया था तो नीचे जीरो आया था, अब मैं नीचे से जीरो हटाना चाहती हूँ तो ऊपर पॉइंट आएगा, अगर मैं यहां से ये जीरो हटाऊंगी तो ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट, एक जीरो है एक के पहले पॉइंट आएगा तो ये क्या आ जाएगा 2.5। हमेशा राइट हैंड से गिनते हैं तो एक के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर 2.5। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा, अच्छे समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।